बहुत स्ट्रगल किया है और मतलब वो ज़्यादा बचपन से ही वो पेपर का शौकीन था, पेपर पढ़ता था वो, और बुक से ज़्यादा ही पेपर पढ़ता था। इसके लिए हम उसको डांट भी लगाते थे कि बुक पढ़ो, पेपर क्यों पढ़ते हो, लेकिन बचपन से ही पेपर से उसको ज़्यादा लगा, पेपर पढ़ता था सब चीज़ बचपन से। और उसके बाद जब 11 में उलैला से किया है, शुरू का पढ़ाई तो यहाँ से किया, सेंट पॉल से किया, पटना सेंट पॉल से, और उसके बाद 11 का पढ़ाई किया है लोयला से। और लोयला में जाके उसको थोड़ा ज़्यादा कुछ करने का ये हुआ कि कोई चीज़ में भाग लेना, इस सेंट पॉल्स में उतना नहीं लेता था, लेकिन लोयला में जाके नाटक किया है, उसमें भाग लिया। उसके बाद उसको करने का ज़्यादा कुछ हुआ तो बहुत कर रहा था आगे। उसके बाद का पढ़ाई किया 11, ये इसका LLB और वहाँ से किया मिट्टी से, तो वहाँ वो अच्छा किया। मेरा नाम कुमार शानू है और मैं मोकामा बिहार का रहने वाला हूँ। मैं अभी अमेरिका में बॉस्टन शहर है, वहाँ फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी कॉलेज है, जहाँ मैं इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। इंटरनेशनल लॉ में LLM कर रहा हूँ, मास्टर्स इन इंटरनेशनल लॉ, और फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ाई कर रहा हूँ। और फ्लेचर स्कूल जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए, और फ्लेचर के अधिकांश बच्चे संयुक्त राष्ट्र में अथवा विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर विराजमान है। और अमेरिका का सबसे पुराना इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ने का स्कूल है, तो विश्व को कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं फ्लेचर स्कूल ने। तो सौभाग्य मिला मुझे फ्लेचर आने का, और फ्लेचर में फुल स्कॉलरशिप भी मिल गई। यहाँ पढ़ाई के दौरान अभी कुछ पिछले कुछ दिनों में चुनाव हुए थे छात्र संघ के चुनाव हुए थे, तो उसमें मुझे किसी छात्र ने नॉमिनेट किया था। उसके बाद मैंने उसको स्वीकार किया नॉमिनेशन को। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में कुल 50 विभिन्न देश के बच्चे थे जिनकी नागरिकता 50 देशों की, अलग अलग देशों की है। इन बच्चों ने वोट किया, और फ्लेचर में स्टूडेंट काउंसिल होता है जो सुप्रीम गवर्नमेंट बॉडी होती है, सुप्रीम स्टूडेंट गवर्नमेंट बॉडी होती है, जो कि कॉलेज के सारे बड़े फैसले लेती है शिक्षकों के विमर्श के साथ और बाकी छात्रों के हितों में। तो उसके चुनाव हुए, और उस चुनाव में लकीली मैं चुनाव में अच्छे से कैंपेन कर पाया, और कोई खर्च नहीं होता है यहाँ चुनाव में, और मुझे एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। लोगों से गया, मिला, बातचीत की, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। मैंने इतने देश के लोग, मैं कभी बिहार से बाहर दिल्ली गया, दिल्ली और बिहार के अलावा कहीं जाना नहीं हुआ जीवन में, विदेश कभी आया नहीं था, तो इतने विभिन्न देश के लोगों से मिलना जुलना हुआ, बातचीत हुई, अलग अलग विचार के लोग, अलग सभ्यता से लोग, अलग संस्कृति वाले लोग, अलग खान पान वाले लोग, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन लोगों ने भरपूर प्यार दिया और मुझे इनकरेज भी किया चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव जब लड़ा तो वोट भी किया उन लोगों ने, और फाइनली आज रिजल्ट की घोषणा हुई और मैं जीत गया हूँ चुनाव। और आशा करता हूँ कि जब तक मैं कॉलेज में हूँ, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ छात्र हित में काम करता रहूँगा।